चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। आज बात करेंगे हम 11 मई 2024 के करंट अफेयर्स की, जो कि पिछले कल हम नहीं कर पाए थे किन्हीं वजहों से। आज उसको कवर अप कर लेते हैं कि क्या हुआ था विशेष पिछले कल। पहला जो खबर है वो है तमिलनाडु ने बैन किया है अपने डॉग ब्रीड्स पे, बैंस डॉग ब्रीड्स, कुछ सर्टेन डॉग ब्रीड्स हैं जिन पे तमिलनाडु ने बैन कर दिया है। तो बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री के एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है। तो तमिलनाडु के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है प्रोहिबिशन, मतलब बैन कर दिया उन्होंने 23 डॉग ब्रीड्स को जो कि फेरूशियस है। ठीक, उसमें से कुछ है रॉटवेलर, पिटबुल, टेरियर, तोजाइनो, और भी 19 ब्रीड्स हैं जिनको बैन किया गया है। ठीक, तो ये किया गया है डिसीज़न क्योंकि डिस्ट्रेसिंग इंसिडेंट्स हुए थे चेन्नई में, जहाँ पे रॉटवेलर ने कुछ बच्चों को हानि पहुँचाई थी। ठीक, 5 साल की एक बच्ची थी जिस पे एक दो रॉटवेलर कुत्तों ने हमला किया था, डॉग्स ने। इस वजह से ये नंबर वन पे आता है जिसको बैन किया जाएगा। ठीक, ये लड़की जो थी एक सिक्योरिटी गार्ड की डॉटर, लड़की बेटी थी, डॉटर थी, और ये डॉग्स के साथ उस टाइम गेम खेल रही थी। ठीक, नेक्स्ट बात होता है, बात करते हैं ओलियंडर लीव्स। ओलियंडर लीव्स को भी बैन कर दिया गया है कहीं पे। तो इस पे अगर खबर देखेंगे तो एक 24 साल की महिला की मृत्यु हुई है रिसेंटली, जिनका नाम था सूर्य सुरेंद्रन, जिन्होंने एक्सीडेंटली, मतलब गलती से कंज्यूम खा लिया था ओलियंडर लीव्स। ठीक, तो केरल टेम्पल बोर्ड ने, और एक और टेम्पल बोर्ड जिन्होंने इसको बैन किया है। ये इंसिडेंट रिसेंटली होकर हुआ है केरल में। इस ओलियंडर लीव्स को लोकली कहते हैं ये लोग अराली, केरली भाषा, मलयालम भाषा में, और इसमें कुछ तो भी पॉइजनिंग पदार्थ मौजूद होता है जिस वजह से इसमें मृत्यु हुई है इसको खाने से। ठीक, और ये एक्शन लिया गया है त्रावणकोर दवसोम बोर्ड के द्वारा और मालाबार दवसोम बोर्ड के द्वारा, जो कि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक, फ्लावर्स यूज़ करो आप मंदिर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वाले यूज़ करो जो कि टॉक्सिक ना हो। नेरियम ओलियंडर जो है, ये ओलियंडर लीव्स जो है बेसिकली टॉक्सिक प्लांट है। ठीक, इस तरह के फूलों को आप मंदिर में यूज़ करेंगे तो फिर हानि तो होगी। नेक्स्ट है गेमिंग वीज़ा दुबई। तो दुबई ने लॉन्च किया है नया इनोवेटिव गेमिंग वीज़ा। ठीक, जो उनके क्राउन प्रिंस हैं हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ठीक, उन्होंने सिटी को ट्रांसफॉर्म डेवलप करने के लिए 3000 गेम डेवलपर्स को 2033 तक अट्रैक्ट करेंगे बोल के गेमिंग वीज़ा देने की वो करी है, घोषणा करी है। गेमिंग वीज़ा क्या होता है? ये डिज़ाइन किया जाता है गेम डेवलपर्स के लिए, बेसिकली डिज़ाइनर्स या प्रोग्रामर्स या कंटेंट क्रिएटर के लिए, बेसिकली आप आसान भाषा में कहते हो कोडर्स के लिए। ठीक, कंडीशंस क्या है कि एप्लीकेंट लगभग 25 साल का होना चाहिए और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए वेल डेवलप्ड। नॉर्मल फ्रेशर्स वगैरह को शायद ये ना रखें क्योंकि रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट इंडिया मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम मालदीव्स। तो भारत की जो मिलिट्री है वो मालदीव से आ चुकी है रिसेंटली। उन्होंने बोला था कि 10 मई तक की डेडलाइन दी थी फाइनल बैच की, 2-3 महीने पहले। तो इंडिया ने कम्प्लीटली विड्रॉ कर दिया अपने मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से, जो मालदीव के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू। ठीक, उनके कैंपेन्स के द्वारा वो चाइना के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, हालांकि बाद में उनका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है, जो श्रीलंका का हुआ था हाल ही में। ठीक, पर फिर भी क्या बोल सकते हैं, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तो इंडो मालदीवियन रिलेशंस के जो है वो भी बढ़िया नहीं चल रहे हैं इस एक आदमी की वजह से। ठीक, तो फाइनल बैच की डेडलाइन थी 10 मई, तो 10 मई को वो आ चुके हैं इंडियन मिलिट्री फोर्सेस सारी वहाँ से। नेक्स्ट है एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म हिट्स अर्थ। तो कहा गया है कि ऑन 11 मई 2024 पृथ्वी ने सबसे ज़्यादा गर्मी पिछले 20 सालों में एज ऑफ नाउ सहन करी है। ठीक, नोट डाउन करिए, ये स्टॉर्म जो है ये ट्रिगर होता है मल्टीपल कोरोनल मास इजेक्शन से, CME कहते हैं इनको। ठीक, जो कि सन से आता है। ठीक, ये बेसिकली गर्मी का एक
वन ऑफ द रीज़न है। और इसे देखा गया, विजिबल कहाँ से हुआ, डेजलिंग ओरोरास के थ्रू, जो कि तस्मानिया से ब्रिटेन के बीच में चल रहे थे। CMA की बात करेंगे तो होता क्या, ये मैसिव बस्ट होते हैं, बड़े धमाके होते हैं सोलर विंड के और मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि सोलर कोरोना के ऊपर टेकअप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। तो वियतनाम को रिसेंटली, वियतनाम हैज़ बीन पुशिंग प्रेसिडेंट USA टू क्विकली चेंज इट्स नॉन मार्केट इकोनॉमी। वियतनाम ज़बरदस्ती कर रहा है USA के प्रेसिडेंट को कि भैया प्लीज़ हमारी नॉन मार्केट इकोनॉमी को चेंज कर दो, ठीक, मार्केट इकोनॉमी स्टेटस दे दो, क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो USA ने डेजिग्नेट किया था कुछ कंट्रीज़ को नॉन मार्केट इकोनॉमी कुछ फैक्टर्स के आधार पे, ठीक, उसमें से एक वियतनाम भी थी। नॉन मार्केट इकोनॉमी लेबल अलाउ करता है US को इम्पोज करने के लिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जा सके किसी भी देश पे। ठीक, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, ये एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शन डिसीजन और प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर और बिजनेसेस के इंटरेक्शन से लिए जाते हैं। अगला बात करते हैं हम हिंडन रिवर की। तो हिंडन रिवर की रिपोर्ट आई है पोल्यूशन पे। तो हिंडन रिवर वन ऑफ द मेजर रिवर है उत्तर प्रदेश में, ठीक, प्रदूषण तो वहाँ भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट दी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। उन्होंने बोला है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, UPPCB को, कि भैया आप एडिशनल रिपोर्ट और जमा करो हिंडन रिवर के आधार पे के ऊपर, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। हिंडन रिवर क्या है, ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, ठीक, और ये रेन फेड रिवर है, ठीक, ऐसा नहीं है कि कहीं पहाड़ों से आ रहा है ग्लेशियर से, ऐसा कुछ नहीं है, रेन फेड रिवर है ये, ठीक। हाँ, ओरिजिनेट तो हो रहा है ये शिवालिक रेंजेस से, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के पास से, ठीक, तो रेंजेस से हो रहा है, ग्लेशियर से नहीं बेसिकली, ठीक। ये पूरी तरह जो फ्लो करता है ये वेस्टर्न UP में फ्लो करता है 400 किलोमीटर तक, ठीक, फाइनली ये नोएडा में जाके यमुना रिवर पे मिल जाता है। काली रिवर जो है वेस्ट में और कृष्णी रिवर जो है वो हिंडन की ट्रिब्यूटरी है अपने आप। ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना है, ये इधर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके यहाँ पे आगे काली, ये दूसरी साइड में आगे कृष्णी, ठीक है। अब 2015 में CPCB ने बोला था कि इंडन्स की पोल्यूशन लेवल जो है वो कुछ सेवियर है, उसको डेड रिवर डिक्लेयर कर देंगे या अनफिट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बात चली थी। अब रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार हो सकता है ये चीज़ कर ली जाए। नेक्स्ट है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT बना था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत, ठीक, ये एक इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस है जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या बाकी प्राकृतिक रिसोर्सेज से डील करते हैं, ठीक। अगली बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI क्या है, ठीक। तो इनका कहना है कि नॉन हाई यील्डिंग वीट जो है सीड वेराइटी HD3368, नाम याद रखना HD3368 वीट की वेराइटी है, WHEAT, और UPSC इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जाल बिछा के फंसा देगा, ठीक है। तो IARA ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है नया हाई यील्डिंग वीट सीड, ठीक, HD3386। IARI क्या है, ये भारत का लार्जेस्ट और फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च की फील्ड में या हायर एजुकेशन की, एग्रीकल्चरल साइंस की जब भी आप बात करोगे तो यही आता है। ये सिचुएटेड है दिल्ली में और इसको एडमिनिस्टर करता है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। IARI को पॉपुलरली पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, पूसा की शुरुआत हुई थी 1905 में पूसा बिहार में, ठीक, और इसमें 30,000 pounds का ग्रांट दिया जाता है, दिया गया था अमेरिकन फिलेंट्रोफिस्ट हेनरी फिप्स के द्वारा, ठीक। उस टाइम इस इंस्टीट्यूट को ARI भी कहते थे, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके 5 डिपार्टमेंट्स थे बेसिकली, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक बोटैनी और माइकोलॉजी। 1907 में इसमें बैक्टेरियोलॉजी भी ऐड किया गया था, तो एज ऑफ नाउ एट प्रेजेंट आप कह सकते हो इसमें 6 डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ठीक। बाद में इसका नाम चेंज किया गया 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और 1919 में इसको इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया, ठीक। तो इसी तरह इसके नाम चेंज होते गए, बाद में आज़ादी के बाद इसका फाइनली IARI नाम रखा गया।
पैट्रोनेज अपॉइंटमेंट्स एंड एथिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो पैट्रोनेज अपॉइंटमेंट्स जो होती है पब्लिक सेक्टर में, वो सेवरल एथिकल इश्यूज़ को रेज कर देते कि भैया इनको कैसे, ठीक, वो कैसे वाला फैक्टर आ जाता है और ये इफेक्ट करता है एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी को सिविल सर्विसेज में, ठीक। पैट्रोनेज अपॉइंटमेंट होती क्या, ये अपॉइंटमेंट दी जाती है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, कोई किसी का जुगाड़ कह सकते हो आप, या रिकमेंडेशन या सोर्स, कोई पर्सन कलेक्शन हो किसी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन का या पॉलिटिकल लीडर का पब्लिक सर्वेंट का, तो फिर आपको डायरेक्टली अपॉइंट किया जा सकता है कुछ तो भी प्रोसेस में झोलमोल करके, ठीक। ये पूरी तरह से इंडिया की गवर्नेंस को इफेक्ट कर देता है, ठीक, राज्य व्यवस्था को। बाकी इसके बारे में जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, एज ऑफ दैट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, पर होता क्या है ये जानना ज़रूरी है, वो हम बता चुके। नेक्स्ट है वुमेन एम्पावरमेंट, मेकिंग इंडिया विकसित बाय 2047। तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, भगवान करे अच्छी वाली आए, जो भी नई आएगी, ठीक, वो चैलेंज ले लेगी मेकिंग इंडिया विकसित 2047 का, जैसी आएगी वैसे ही, ठीक। क्योंकि कहा जाता है कि वोमेन जो है वो लैग बिहाइंड करे, पीछे रह जाती कई पैरामीटर्स में, ठीक। और जिस देश में महिलाओं को ज़्यादा मौका मिला है वो देश ज़्यादा तरक्की कर पाए हैं, तो इंडिया को भी अब मौके मिल रहे हैं, आने वाले समय में ये भी तरक्की करेगा। इसका एक डाटा दिया गया था, तो इंडिया का जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 50% के अराउंड है, ठीक। चाइना का 70% के अराउंड है महिलाओं के हिसाब से, बांग्लादेश 50, हमसे ज़्यादा बांग्लादेश लेके जा रहा है यार, क्या बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक हेल्थ को इफेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, कम होंगी तो नेगेटिवली। नेक्स्ट है स्पर्म वेल स्टडी, ये वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वेल की प्रजाति है, ठीक। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनकवर किया फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ स्पर्म वेल कम्युनिकेशन, ठीक। तो होती क्या है, ये जो वेल्स है ये अपने सोशल नेचर की वजह से जानी जाती है, ये क्लिकिंग साउंड करती है कुछ, जिन्हें कोडास कहते हैं, कन्वे मैसेजेस के लिए, क्लिकिंग इन द सेंस की इस तरह की, वाओ। तो इसको मोर्से कोड के आधार पे भी कह सकते हो, मोर्से कोड जो हम यूज़ करते हैं वो इसी तरह पे चलता है। हम इस चैनल पे मोर्से कोड की वीडियो भी आप उसको देख सकते हैं बेहतर एक्सपीरियंस के लिए। स्पर्म वेल पे जो रिसर्च हुई है उसके आधार पे, ईस्टर्न कैरिबियन पे जो रिसर्च हुई है उसके आधार पे ये कहा गया है कि एक रिच कम्युनिकेशन सिस्टम एकिन जो होता है ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड होता है स्पर्म वेल्स का। ये लार्जेस्ट टूथ्ड वेल्स है, दांत वाली सबसे बड़ी वेल्स हैं, ठीक, जो कि पोलर रीजन्स में पाई जाती है, तो आपको खतरा नहीं, आपके आसपास नहीं है, पोलर में है, ठीक। वल्नरेबल स्टेटस है इनको IUCN का, शेड्यूल 2 में काउंट करते हैं इनको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भारत के तहत, ठीक। नेक्स्ट है UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड यूनाइटेड नेशन का, तो इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है $5,00,000 UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में, ठीक है। UNOCT की बात करेंगे तो ये जो कंट्रीब्यूशन है सपोर्ट करेगा UNOCT को ग्लोबल प्रोग्राम्स में जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट होगी, जैसे काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म या काउंटरिंग टेररिज्म ट्रेवल प्रोग्राम CFT जो है, ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है मेंबर स्टेट कंट्रीज को जो भी है एंटी टेररिज्म वाली टेररिज्म रिस्क के अगेंस्ट, ठीक। और CTTP की अगर बात करेंगे तो ये डिटेक्ट करता है काउंटर टेररिज्म को, ठीक। इंडिया का एफर्ट जो है इंक्लूड करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU। अगर आप आर्मी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपने देखा होगा कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में FIU होती है या आर्मी में भी FIU होती है, ठीक। तो ये बेसिकली टेररिज्म के या इसके अगेंस्ट होती है। इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है। UNOCT इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में UN ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के नाम से, ठीक। इसको देखता है UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, ठीक। और इनिशियली जब इस्टेब्लिश हुआ था 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था इस नाम से, बाद में इसको UNOCT में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कलेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यूज़ में आया है कलेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कंस्ट्रक्शन पे 4 प्रपोज डैम प्रोजेक्ट्स पे जो कि कलेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास हो रहे हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो समझ गए होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, हरियाणा, ठीक। ये जो सेंचुरी है ये इस्टेब्लिश हुई थी वो 1988 में लोकल वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए,
और 8 दिसंबर 2003 को इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। और ये मैं लिख के देता हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। 2024 और 25 अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको गो थ्रू कर लो, दो नंबर तो पक्के हैं। ये सिचुएटेड है शिवालिक की फुटहिल्स में, हिमालय के पास, ठीक। और इसके पास है राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला, और सिम्बालवाला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक, वो इसके थोड़े नज़दीक है आसपास। ये लगभग 13,209 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत सारे इसमें पेड़ हैं, बहुत सारे प्रजाति के, कई सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स की स्पेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे लेपर्ड, सम्बर डिजर्ट, बार्किंग डियर भौंकने वाला डियर, हाइनास, जैकेल, इंडियन पॉर्क्यूपाइंस, वो कांटे कांटे वाले होते हैं, इंडियन पेंगोलिन्स कांटे वालों के रिश्तेदार, बिना कांटे वाले लंगूर, और कुछ स्पेसीज ऑफ बर्ड भी हैं यहाँ पे, जैसे रेड जंगल फॉल, ग्रे पार्ट्रिज, इंडियन पी फॉल, वाइट थ्रोट किंगफिशर पाए जाते हैं। तो ये एस्पेक्ट HPAS के 2023 में भी पूछा गया था, इसी तरह का रेलेवेंट एस्पेक्ट न्यूज़ में आया था 2022-23 में, और 23 के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट, सिकल सेल डिजीज़ स्टडी। तो एक 12 साल का लड़का है USA का, वो पहला इंसान बना है विश्व का जो सिकल सेल डिजीज़ को बिगिन करेगा कॉमर्शियली जीन थेरेपी के थ्रू। सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है? एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक। इसे लाया गया, इसे मार्क किया गया था फ्लॉड हेमोग्लोबिन द्वारा। हेमोग्लोबिन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं RBC में प्रेजेंट, जो कि ऑक्सीजन को लेके जाते हैं बाकी बॉडीज़ के टिश्यूज़ में, ठीक। ये तो एक माइनर क्वेश्चन है जनरल साइंस का, जो पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन क्या होते हैं या सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है। आपको ये दोनों एस्पेक्ट्स बहुत ही काम आएंगे, ठीक। RBC की अगर बात करेंगे तो ये डिस्क शेप के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि इजीली मूव करते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक। सिकल सेल डिजीज़ में इनका शेप बदल जाता है, ये डिस्क से सिकल शेप में आ जाते हैं, ठीक। डिस्क होता है कुछ इस तरह का, सिकल होता है कुछ इस तरह का शेप, ठीक, इस शेप में आ जाते हैं। डिफेक्टिव जीन की वजह से होता है, जिसे सिकल सेल जीन कहते हैं, ठीक। अर्ली स्टेज में इसमें थकान होती है, फजीनेस होती है एनीमिया के थ्रू, या सोलन हैंड्स हो जाते हैं, दर्द वाले पैर भी, या जॉन्डिस भी हो सकते हैं। लेटेस्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा पेन होती है, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज और इन्फेक्शन जैसे इसमें लक्षण देखे जाते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है, मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और PDF आप यहाँ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।